Hi, this is Kushbu with another question of arithmetic progression. This is question number 10 from exercise 5.3, NCERT, page number 130. Show that A1, A2, AN form an AP where AN is defined as 0. Okay. हमने एक series दी है, AN दिया है. AN दे दिया, nth term मतलब आपको दे दी है. अब हमें कहा गया कि हमें show करना है A1, A2, जो terms हैं, ये AP form करें. Second half में also find the sum of first 15 terms. फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, हमारे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. वो पहले हम फाइंड करेंगे इससे. तो सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, तो n हमारा 1 होता है, तो ये बनेगा हमारा a1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू बनती है 3 प्लस 4 n की जगह 1. जहां जहां n आ रहा है वहां 1 नोट कर रहे हैं. तो ये बना 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. So, ये आपके पास आ गया A1 is 7. Now, same ways, A2 हम निकालेंगे. A2 के केस में आप जहां जहां n है वहां 2 पुट करेंगे. So, 3 plus 4 into 2. That means 3 plus 4 to the is 8. That means 11. So, आपके पास A2 आ गया यहां से 11. Same ways, आप यहां से निकालेंगे A3 and A4. So, A3 निकालते हैं तो A3 is 3 plus 4 into 3. So 3 plus 4 3 is 4 3 is 12. So 12 plus 3 is 15. So ye aage aapke paas yahan se A3. Same way we will find out A4 is equal to 3 plus 4 into 4. So 3 plus 4 4 is 16. 16 plus 3 is 19. So 19 aage aapke paas yahan se A4. So, आपके पास वैल्यू आ गई A4 की is 19. Now, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है. हमारे पास सीरीज आ गई है इससे. फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज 11, थर्ड टर्म इज 15 एंड फोर्थ टर्म इज 19. सबसे पहले हमें क्या कहा गया, शो करो कि फॉर्म्स एन एपी. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये आता है कि आपको शो करना है कि दिस इज एन एपी, उसके लिए आपको पहले चेक करना है उसका कॉमन डिफरेंस. अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो यस इट फॉर्म्स एन एपी. सो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू, बाद वाली टर्म में से हम पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं. सो A2 माइनस A1. सो आपके पास A2 यहां से आ रहा है 11, माइनस A1 करेंगे तो 7, दिस इज 4. नेक्स्ट पे चेक करके देखते हैं. अगर डी अगर हम करें A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 पे थर्ड टर्म इज 15, सेकेंड टर्म इज 11. सो 15 माइनस 11 इज 4. कॉमन डिफरेंस सेम है. एक और पे ट्राई करके देखते हैं. A4 माइनस A3, 19 माइनस 15. सो ये भी आ गया 4. सो सिंस हमारा कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी. तो हम लिखेंगे एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence it is an AP. हमने क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ तो प्रूव कर दिया. सेकेंड हाफ में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है. तो SN सम फाइंड करने के लिए SN का फॉर्मूला, तो दिस इज n बाय 2 प्लस यानी 2a प्लस n माइनस 1 डी. अब SN का फॉर्मूला पुट करने के लिए आपके पास n की वैल्यू आती है फर्स्ट 15 टर्म्स एस 15. जहां जहां n आएगा वहां पर आप पुट करेंगे 15. सो इज इक्वल टू 15 बाय 2 टू a. a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1. कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 4. ब्रैकेट क्लोज. सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया. सो यहां से एस 15 हमारे पास क्या आएगा 15 बाय 2 टू 7 का एस 14 प्लस 15 माइनस 1 एस 14 इंटू 4. सो एस 15 इज इक्वल टू 15 बाय 2 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 4 एस 56. So 15 by 2 into 56 plus 14 is 70.
इसको आप कट करेंगे, 2 1 जा 2 35 जा, सो एस 15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 to 35 एस 5 to 5, ये आपके पास आ गया फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो सबसे पहले हमें शो करना था कि सीरीज एटीफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम आपको दिखाना होता है कॉमन डिफरेंस सेम है तभी सीरीज एटीफॉर्म कर रही है, अदरवाइज नहीं। कॉमन डिफरेंस के लिए आपके पास सीरीज होनी चाहिए, उसके लिए आपने पहले टर्म्स के अंदर 1 2 3 4 वाले वैल्यूज पुट करे, टर्म्स निकाले, कॉमन डिफरेंस चेक किया, वो एटीफॉर्म कर रहा था, फिर आपने उससे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाला। सो दिस वॉज 10th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 ऑफ एनसीईआरटी। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज टू राइट टू अस, तो स्पेस नीचे के बने उसमें लिखिए, एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।